तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताता हूँ कि सूर्य देवता हमारी गाड़ी को किस तरह खराब करते हैं। इसका पूरा वीडियो मैं बताता हूँ और कौन से नुकसान है गाड़ी को धूप में खड़ी करने का। ठीक है, आप कभी भी गाड़ी खड़ी करते हैं दोस्तों, तो हम लोग आया जहाँ मन आया वहाँ लगा दी गाड़ी, है ना, कि कहीं भी आया चलो छोड़ो ना यार, लगाओ यहाँ, यहाँ लगा दो यार, वहाँ लगा दो। मगर दोस्तों, गाड़ी को हमेशा कहीं भी छाया ढूंढो। गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई शेड होनी चाहिए, आपका स्टोर जैसे होना चाहिए, ऊपर छत होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि गाड़ी हम लोगों ने बहुत मेहनत से और बहुत मेहनत के पैसों से कमाई हुई कार खरीदी रहती है, चाहे कोई छोटे आदमी ने खरीदी हो चाहे किसी बड़े आदमी ने, आखिरकार वो पैसे से तो आई है ना। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी को धूप में खड़ी कर देते हैं, ऐसे ही लगा देते हैं, जहाँ मन आया तहाँ लगा दिया। और कुछ ही महीनों बाद, 1 साल बाद, उनके गाड़ी का जो कलर है ना, डिसलाइक हो जाता है, डिसलाइट कलर होता है। जैसे सफ़ेद कार अभी चमक रही है, इसका कलर धूप में खड़ी रहने से इसका कलर जो है कि थोड़ा पीला हो जा होने लगेगा। ठीक है, मतलब भद्दा टाइप का लगने लगा, आपकी गाड़ी की शाइनिंग ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, जहाँ जहाँ आपको प्लास्टिक दिखाई दे रही है, जैसे ये प्लास्टिक है, इसका रंग अभी काला है ना दोस्तों, जब ये धूप में ज़्यादा देर खड़ी रहेगी तो इसका रंग वाइट होने लगेगा। इसका ऐसे करोगे आप तो इसमें से चूना टाइप का, मतलब कि पाउडर टाइप का निकलेगा, समझो कि आपकी इसमें दरारें प्लास्टिक में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ये है, इसमें भी आपके पूरा ये ख़राब हो जाएगा। ऐसे नाखून से रगड़ोगे तो इसमें से चूना निकलना स्टार्ट हो जाएगा, वाइट वाइट पाउडर सा। ये रबड़ लगी है यहाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ, ये रबड़ पूरी आपकी जो है धूप से ख़राब हो जाती है। धूप, सूर्य देवता जी तो इतने, अपने धूप से तो अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जाती है, ये तो फिर भी कारे हैं, लोहा है ना। जैसे ये लगा है, ये भी आपका पूरा वाइट हो जाएगा, मतलब कि भद्दी हो जाएगी कार कुछ ही। ये देखिए, ये जैसे ये प्लास्टिक, जहाँ जहाँ आपको प्लास्टिक रबड़ दिखाई दे रही है, ये मिरर का ये हिस्सा, ये पूरा वाइट होने लग जाएगा कुछ थोड़े दिनों बाद ना। इसको ऐसे ऐसे रगड़ोगे ना आप, नाखून से करके देखना, आप लगातार कभी धूप में गाड़ी खड़ी करते हो तो आप देखना, ये गाड़ी यहाँ ऐसे रगड़ोगे ना तो यहाँ से पाउडर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद, मतलब कि दरारें सी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपकी ये लाइटें, ये लाइटें अभी वाइट है, वाइट वाइट कलर की दिखाई दे रही होंगी पूरी ये हिस्सा, मगर धूप में खड़ी रहेंगी तो दोस्तों ये पीले कलर का हो जाएगा हिस्सा। ये वाला जो वाइट कलर का हिस्सा है, ये पीले कलर का हो जाएगा, और ये पीले कलर का हिस्सा है, ये वाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ये फ्रंट का ये है, ये भी आपका, इसको भी ऐसे नाखून से रगड़ोगे ऐसे कुछ 6 महीने साल बाद, तो आपका देखना इसमें से भी पाउडर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, दरारें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आपका ये मेन, ये भी आपका भद्दा हो जाएगा, ये भी आपका, मतलब कि रबड़ काम, मतलब कि जहाँ जहाँ इसको प्लास्टिक लगी है, रबड़ है, ब्लैक कलर की चीज़ें हैं, ब्लैक कलर को तो धूप अट्रैक्शन करती है, मतलब कि धूप का उसके ऊपर ज़्यादा असर होता है ना। तो आपका जहाँ जहाँ काला प्लास्टिक लगा हुआ है, प्लास्टिक क्यों, गाड़ी का पूरी का सत्यानाश हो जाता है। अभी ये आ जाओ इस पे रेड कलर पे, इसका भी जो रंग है दूसरा सफ़ेद होने लग जाएगा रेड का। इस पर भी नाखून रगड़ोगे तो इसमें से भी सफ़ेद चूना सा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उस पर प्लास्टिक ख़राब हो रही है। ठीक है, गाड़ी की पूरी शाइनिंग चली जाती है, चमक चली जाती है। फिर हम दूसरे को पूछते हैं, यार तेरी गाड़ी इतनी पुरानी है फिर भी चमक रही है, मेरी गाड़ी यार अभी ली और उसका रंग ऐसा हो गया कि ये हो गया। इसका कारण है, हम लोग इग्नोर करते हैं, कहते हैं ना कि वो तो बात तो सच्ची है कि अगर मोबाइल ले लो तो नया मोबाइल लेते हैं तो 20 दिन तो उसको, महीना भर तो खूब जेब में डालते हैं, पास रखते हैं, कहीं कहीं अपना साथ में रखते हैं, बगल में रखते हैं। जैसे महीने 2 महीने होते हैं तो मोबाइल कहीं पड़ा है, कभी इधर पड़ा है, कोई इग्नोर कर देते हैं। ऐसे गाड़ी है, गाड़ी जब हम लोग दोस्तों नहीं खरीदते हैं तो बहुत उसको साफ चमका के रखते हैं, कपड़ा मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मगर जैसे गाड़ी थोड़ी सी पुरानी होने लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, लगा दो यार कहीं भी, धूप आई तो खड़ी कर दो वहाँ। तो यही कारण है दोस्तों कि हमारी गाड़ी का भट्ठा बैठने लगता है। ठीक है, आपको इसलिए मैंने बता दिया कि अगर आप धूप में कभी भी गाड़ी लगाते हैं तो धूप में गाड़ी बिल्कुल ना लगाएं। मैं तो यही बोलता हूँ कि कहीं भी आप गाड़ी अपनी पार्क करोगे तो हमेशा छाया ज़रूर ढूंढना, छाया में गाड़ी लगाना। आपकी छाया में गाड़ी लगाओगे तो बहुत लंबी लाइफ चलेगी। ठीक है, टायर भी इसके ख़राब होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके टायर भी जो है ख़राब होंगे।
तो आपने अपनी गाड़ी की सेफ्टी के लिए, अपनी गाड़ी के जो कांच वगैरह सब पे मतलब कि धूप का असर होगा तो आपकी कार का नाश होगा, मतलब कि गंदी बिल्कुल भद्दी लगेगी, आप कार नई बिल्कुल नहीं लगेगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना। धन्यवाद दोस्तों।